पाकिस्तानी कहते थे, उन पे कड़ारा तमाचा है। देखिए, जो कांग्रेस और फारूक साहब का गठबंधन हुआ है, वह मैं तो कांग्रेस से पूछना चाहता हूं पहले कि उनके जो चुनावी एजेंडे में जो घोषणाएं हैं उससे क्या वह सहमत है? और जो लोग अब इस देश में दो निशान और दो प्रधान की बात करने वाले लोग, अब ऐसे इस देश में नहीं चलेगा, ऐसी राजनीतिक पार्टी के विचारों को यहाँ की जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। 370 धारा कि हम आएंगे तो हटाएंगे घोषणा कांग्रेस भी कर रही है और वो तो कर रही है। 370 धारा को कोई माई का लाल नहीं हटा सकता है, इसलिए कि देश की एकता और अखंडता में वह 370 बाधक था, जो भारत के माथे पे कलंक था, उसको माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त कर दिया गया है। फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस का गठबंधन तुष्टिकरण के तहत है और दोनों देश से, देश की संस्कृति से, देश के लोगों के सुख वैभव से, देश की समृद्धि से और देश के सम्मान से मतलब रखने वाले लोग नहीं हैं। वह लोग सिर्फ सत्ता के लोभी में हैं और ऐसे सत्ता के लोभी को अब चाहे वह कश्मीर की जनता हो चाहे देश की जनता हो स्वीकार नहीं करेगी। तेजस्वी यादव बैठक किए हैं, सभा यात्रा पे जाने से पहले अपने कार्यकर्ताओं को बहुत सारे टिप्स दिए हैं, कहे हैं ज्यादा उदंडता जो है वो ना करें। इसका मतलब है कि उदंडता उनके कार्यकर्ता उन्हीं के नेतृत्व में करते आ रहा है, यह आरजेडी का संस्कार बन चुका है। उद्दंडता छोड़ दे, आरजेडी के कार्यकर्ता रंगदारी छोड़ दे, अपराधियों को संरक्षण देना छोड़ दे, अपराधी प्रवृत्ति को छोड़ दे, यह संभव नहीं है। उनकी वह परंपरा संस्कार बन चुका है और कभी भी आरजेडी के लोग ना उद्दंडता छोड़ने वाले हैं और ना बिहार के विकास से मतलब रखने वाले हैं। और तेजस्वी जी जो भी कह ले, तेजस्वी जी ही उस उद्दंडता का नेतृत्व करते हैं, तो क्या किसी को सीख देंगे?